हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स का वफाकी हुकूमत से अहम मुतालबा। NCCM का कहना है कि कैनेडा में पनाह हासिल करने वाले फलस्तीनियों के लिए लगाई गई हद को हटाया जाए। मुकर्रा हद से ज्यादा फलस्तीनी कैनेडा आना चाहते हैं। कैनेडियन हुकूमत ने कौमी प्लास्टिक रजिस्ट्री पर मुशावरत शुरू कर दी। प्लास्टिक से मुतालिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि प्लास्टिक के फजले को कम करने में मदद मिलेगी। टोरंटो में दिसंबर में बारिश और धुंध के रिकॉर्ड कायम। माहरीन ने मौसम मामूल से ज्यादा धुंधला रहने का खदशा जाहिर कर दिया। जनवरी और फरवरी तक सूरज मामूल से कम निकलेगा। जापान जलजले से होने वाली हलाकतों में इजाफा हो गया। जलजले के बाद 1500 के करीब आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। हजारों घरों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. National Council of Canadian Muslims ka wafaqi hukumat se mutalba hai ki wo falastiniyon ki tadad par aaye pabandi hataye jo Gaza ki patti mein tashaddud se अपने कैनेडियन खानदान के अफराद के साथ पनाह हासिल कर सकते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स का वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि वो फलस्तीनियों की तादाद पर आयद पाबंदी हटाए जो गजा की पट्टी में तशद्दुद से अपने कैनेडियन खानदान के अफराद के साथ पनाह हासिल कर सकते हैं। गजा के लोगों के लिए खसूसी तौसीई खानदानी प्रोग्राम अगले हफ्ते शुरू होने वाला है। फलस्तीनी कैनेडियनों ने अपने प्यारों को इसराइल और हमास की जंग से बचाने के लिए वफाकी हुकूमत से कई महीनों तक मदद की दरख्वास्त की। ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा 1000 फलस्तीनियों को वीजे की पेशकश करता है जो उन्हें 3 साल के लिए कनाडा में पनाह लेने की इजाज़त देगा अगर उनके अहले खाना इस दौरान उनकी माली मदद करने के लिए तैयार हों। जब इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने पिछले महीने इस मंसूबे का ऐलान किया तो उन्होंने कहा यह वाजे नहीं है कि कितने लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन यह मुमकिन तौर पर सैकड़ों में होगा। एक हफ्ते बाद महकमे ने प्रोग्राम के लिए तहरीरी पॉलिसी जारी की। इससे जाहिर होता है कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज और सिटीजनशिप कनाडा प्रोग्राम को नई दरख्वास्तों के लिए बंद कर देगा जब उसे पहली 1000 दरख्वास्तें मौसूल होंगी और उन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स, जो एक कौमी वकालत ग्रुप है, का कहना है कि वो पहले ही 1000 से ज्यादा लोगों से रबते में हैं जो अपने खानदानों को गजा से निकालने के लिए पहुँच चुके हैं। तंजीम के कम्युनिकेशन के डायरेक्टर उस्मान क्विक ने कहा कि उसकी हद नहीं होनी चाहिए। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने एक ईमेल बयान में कहा कि हदबंदी, ज़मीन पर उतार चढ़ाव और कनाडा और हम ख्याल ममालिक को लोगों को गजा से मिस्र मुंतकिल करने में दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखती है। कनाडा की हुकूमत एक कौमी प्लास्टिक रजिस्ट्री बनाने पर गौर कर रही है जो मईशत में प्लास्टिक की अशिया के लाइफ साइकिल को ट्रैक करेगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत एक कौमी प्लास्टिक रजिस्ट्री बनाने पर गौर कर रही है जो मईशत में प्लास्टिक की अशिया के लाइफ साइकिल को ट्रैक करेगी। वजीर माहौलियात स्टीवन गैल्बो ने ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत ने अवामी मशावरत शुरू की है ताकि इनपुट इकट्ठा किया जा सके कि ऐसी रजिस्ट्री कैसे काम कर सकती है। स्टीवन गैल्बो ने एक प्रेस रिलीज में कहा कैनेडियन प्लास्टिक के फजले और आलूदगी के बहरान से निमटने के लिए कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत अमल करती रहेगी। वफाकी प्लास्टिक रजिस्ट्री एक अहम टूल है जो पूरी मईशत में प्लास्टिक को ट्रैक करने और उनका इंतजाम करने में मदद करेगा। प्रेस रिलीज में कहा गया कि इस तरह की रजिस्ट्री के लिए
प्रोड्यूसर्स को ये रिपोर्ट करने की ज़रूरत होगी कि वो कनाडा की मार्केट में कितना प्लास्टिक डाल रहे हैं और जब ये अब इस्तेमाल में नहीं है तो उसे कैसे हैंडल किया जाता है। ये प्लास्टिक की अशिया की एक वसी रेंज का अहाता करेगा जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पैकेजिंग, घरेलू आलात और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाली अशिया शामिल है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि रजिस्ट्री हुकूमत को प्लास्टिक के फजले को कम करने की जानिब अपनी पेशरफ की पैमाइश करने में मदद करेगी। ये रजिस्ट्री कनाडा में प्लास्टिक के फजले को कम करने के लिए वफाकी हुकूमत की मजमूई कोशिशों का हिस्सा है। इस कोशिश को नवंबर में उस वक्त धचका लगा जब एक जज ने वाहिद इस्तेमाल प्लास्टिक पर पाबंदी को बरकरार रखने वाली कुलीदी पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। ओटावा का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है। रजिस्ट्री पर मशावरा 13 फरवरी को बंद हो जाएगी। धुंध और बारिश की रिकॉर्ड मकदार के साथ एक उदास दिसंबर के बाद मौसमी डिप्रेशन में मुबतला टोरंटो के बाशिंदों को इस मौसम सरमा में सूरज की रोशनी किसी भी वक्त जल्द वापस आने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। धुंध और बारिश की रिकॉर्ड मकदार के साथ एक उदास दिसंबर के बाद मौसमी डिप्रेशन में मुबतला टोरंटो के बाशिंदों को इस मौसम सरमा में सूरज की रोशनी किसी भी वक्त जल्द वापस आने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा के मुताबिक गुज़िश्ता माह दिसंबर के औसत 7 दिनों के मुकाबले में 15 दिन हल्का दर्जा हरारत और बारिश रिकॉर्ड की गई और यह औसत दिसंबर से 5 डिग्री ज़्यादा गर्म था, मामूल से ज़्यादा धुंधला रहा। मौसमियाती माहिर का कहना है कि शहर में गुज़िश्ता माह 17 दिनों के दौरान 200 घंटे से ज़ायद धुंध रिकॉर्ड की गई। शहर ने दिसंबर में इतनी बारिश या धुंध कभी नहीं देखी। यह वैसा ही रहा है जिसकी आप वैनकूवर या शायद हैलीफैक्स में तवक्को करेंगे। माहरीन का कहना है कि इस मौसम सरमा में हवा शुमाल से नहीं आ रही है बल्कि ऑल नैनो और बहरुल काहिल और बहर ओकियानूस से आ रही है। इस सब का मतलब है ज़्यादा बारिश। माहरीन के मुताबिक मौसम अब बदतरीन होने का इम्कान है लेकिन इस मौसम सरमा में दिन ज़्यादा रोशन नहीं होंगे। बूंदाबांदी सुरमई मौसम जनवरी और फरवरी तक जारी रहने की तवक्को है। हालांकि सूरज को थोड़ा ज़्यादा बाहर आना चाहिए क्योंकि दर्जा हरारत ठंडा रहता है। जापान के सूबे इशिकावा में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले जलजले के बाइस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 62 हो गई है जबकि 300 से ज्यादा शहरी जख्मी हो चुके हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जापान के सूबे इशिकावा में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले जलजले के बाइस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 62 हो गई जबकि 300 से ज्यादा शहरी जख्मी हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक पीर को जापानी सूबे इशिकावा में 7.6 शिद्दत का जलजला आने के बाद बड़े पैमाने पर हर सू तबाही ही तबाही फैली नजर आती है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू हुकाम की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। जापानी रेस्क्यू अहलकार जलजले से बच जाने वालों की तलाश जारी रखे हुए हैं जबकि इशिकावा हुकाम ने कहा है कि शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग और बार बार आफ्टर शॉक से इमदादी सरगर्मियों में रुकावट पेश आ रही है। जलजले से मुतासिरा शहर इशिकावा में ट्रेनों और परवाजों का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया है। रनवे पर दरारें पड़ गई, एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा, हजारों घरों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है, इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर है। अब तक जलजले के बाद 1500 के करीब आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। हुकूमत ने बताया कि 31,800 से ज्यादा लोग पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।